हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोगों का मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है वो आहार और पोषण से है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आहार क्या होता है और पोषण क्या होता है इन दोनों का अर्थ बताने का प्रयास कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ये दो वीडियो बनाई हैं, दोनों ही मेरे डिलीट हो गए पता नहीं कैसे किस गड़बड़ से, तो मैं एक बार तीसरी बार प्रयास और कर रही हूँ आप लोगों को इस चीज़ को समझाने का। तो आहार का मतलब क्या होता है? भोजन होता है। भोजन जो हम अपने सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या में जो भोजन हम खाते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। ये इनके आहार के तीन रूप होते हैं। एक आहार को हम ठोस रूप में लेते हैं, एक हम तरल रूप में लेते हैं और एक हम अर्ध तरल के रूप में अपने भोजन के अंदर इसको ग्रहण करने के लिए लेते हैं। तीन प्रकार के भोजन होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ठोस भोजन क्या है या तरल भोजन का उदाहरण क्या है या अर्ध तरल भोजन का उदाहरण क्या है। तो आपको भोजन के ये तीनों रूप पता होना चाहिए और साथ में आपको भोजन क्या होता है इसकी परिभाषा क्लियर होनी चाहिए कि हमारा भोजन क्या है, आहार क्या है। तो इस भोजन और आहार को परिभाषित करने के लिए हमें ये निर्धारित देखना पड़ता है कि व्यक्ति की आयु क्या है, आयु के अनुसार होना चाहिए। व्यक्ति की क्रियाशीलता इसमें आती है, क्रियाशीलता और लिंग अवस्था, ये क्या है इन चीज़ों का पहले आपको थोड़ा सा अर्थ है वो स्पष्ट होना जरूरी है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वहाँ से लेके और वृद्धावस्था तक है व्यक्ति के आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चा जैसे ही इस संसार के अंदर प्रवेश करता है उसकी भूख का कारण है वो शुरू हो जाता है। तो उसका भोजन क्या है, फिर एक अलग अलग स्थितियाँ आते आते वृद्धावस्था तक उसके भोजन का स्वरूप क्या हो जाता है। तो इन्हीं सारी आयु के आधार पर ही हम ये देखते हैं कि भोजन क्या है, ठोस तरल और अर्ध तरल तीन कैटेगरियों के अंदर निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति की क्रियाशीलता क्या है, क्रियाशीलता तीन प्रकार की होती है, कम, मध्य या उच्च या अधिक क्रियाशीलता। तीन प्रकार के कार्य है व्यक्ति के साथ जुड़े हुए होते हैं, कम कार्य करना, मध्यम श्रेणी का, उच्च श्रेणी का कार्य, ये तीनों ही कैटेगरियाँ क्या होती है, क्रियाशीलता होती है। उसी के आधार पर व्यक्ति का भोजन है वो डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति को किस तरीके का भोजन है वो लेना जरूरी होता है। फिर लिंग में आपको पता ही है दो आ जाते हैं, एक तो लड़का आ जाता है और एक लड़की आ जाती है। तो दोनों की आवश्यकता क्या होती है हर कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके से देखी जाती है। अवस्था कौन सी है, अवस्था का मतलब आप शैशवावस्था में हो, आप बाल्यावस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, आपकी अवस्था कौन है। इसके साथ ही जो गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था हो सकती है, धात्री अवस्था हो सकती है, ये व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था आती है। महिला के अंदर दो अवस्थाएं होती है जो विशिष्टता के नाम से जानी जाती है। इन अवस्थाओं के अंदर जो भोजन की महिला को आवश्यकता होती है वो अपने लिए नहीं होती है, अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी देखी जाती है। तो इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते ही क्या होता है, भोजन का निर्धारण होता है। तो अब हम भोजन को परिभाषित कर सकते हैं कि भोजन क्या है। भोजन एक ऐसा आहार है जो ठोस तरल या अर्ध तरल के रूप में हो सकता है जो व्यक्ति की आयु, लिंग, क्रियाशीलता या अवस्था के आधार पर निर्धारित किया जाता है। साथ में व्यक्ति की शारीरिक मानसिक संवेगात्मक और साथ में सामाजिक भी आ जाता है इसमें। सामाजिक ये
जो सारी प्रकार की प्रवृत्तियों को पूरा करता है उसी को हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। ये हमारी सुधा नारायणन के अनुसार है, भोजन की परिभाषा दी गई है। तो भोजन की परिभाषा इन्होंने इनके कार्यों के आधार पर, इनकी अवस्था आवश्यकता के आधार पर इस परिभाषा में सारे के सारे शब्द हैं वो आपके एक एक भोजन के कार्यों को बताता है कि ऐसा एक भोजन क्या है। एक ऐसा तृप्तिदायक बिंदु होता है जो व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता को पूरा करता है, मानसिक आवश्यकता को पूरा करता है, संवेगात्मक और सामाजिक स्थिति का कार्य करता है। तो ये हमारा भोजन का जो अर्थ है वो आपको मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। भोजन है वो हमारा, जो हम भोजन लेते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, दो भागों के अंदर विभाजित कर देते हैं। एक को तो हम क्या कहेंगे, संतुलित भोजन, संतुलित भोजन, और दूसरे को हम कहते हैं असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन यानी भोजन के दो रूप है। जो हम आहार ले रहे हैं हमें नहीं पता कि हमने कैसा आहार लिया, वो संतुलित है या असंतुलित है। तो इस संतुलित भोजन को हम किस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं और असंतुलित भोजन क्या होता है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो संतुलित भोजन तो उसे कहेंगे जिस भोजन के अंदर सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व मौजूद हो। अब इन पोषक तत्वों के बारे में भी हमें जानना होगा, सभी पोषक तत्व मौजूद हो, जो कैसे हो, आयु, क्रियाशीलता, लिंग, अवस्था, इन सब के अकॉर्डिंग वो पोषक तत्व व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने वाले हो तो उस भोजन को हम क्या कहेंगे, संतुलित भोजन कहेंगे। क्योंकि व्यक्ति की अगर आयु है वो किशोर अवस्था है, तो किशोर अवस्था में आपको पता है कि व्यक्ति के सारे परिवर्तन है वो किशोर अवस्था के अंतर्गत ही होते हैं। तो उस समय अगर उसके भोजन में इन पोषक तत्वों की, खासकर प्रोटीन अगर उसके भोजन में नहीं हो तो व्यक्ति में जो विकास और वृद्धि की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से नहीं होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो सभी पोषक तत्व लिए हैं वो व्यक्ति की आयु के अनुसार हो, उसकी क्रियाशीलता के अनुसार हो, लिंग के अनुसार हो और उसकी अवस्था के अनुसार हो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आहार लिया गया है तो वो व्यक्ति का क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। इसी के विपरीत यदि इन पोषक तत्वों में से अगर एक भी पोषक तत्वों की कमी रह जाती है तो वो व्यक्ति का असंतुलित आहार बन जाता है। क्योंकि सभी पोषक तत्वों का परिभाषा में हमने क्या देखा है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व व्यक्ति की आयु, क्रियाशीलता, लिंग अवस्था के अनुसार हो तो वो भोजन क्या कहलाता है, हमारा संतुलित भोजन कहलाता है। अब ये पोषक तत्व बता देती हूँ। पोषक तत्वों को भी हमने दो भागों के अंदर बांटा है। एक को तो कहते हैं बृहत मात्रिक, बृहत मात्रिक पोषक तत्व, और दूसरे को हम कहेंगे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। अब बृहत मात्रिक में आता है हमारा कार्बोज आता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दूसरा हमारा प्रोटीन आता है, और तीसरा हमारा क्या आता है, वसा आता है, और चौथा हमारा इसमें आ जाता है जल। ये चार पोषक तत्व बृहत मात्रिक, बृहत का मतलब जो हमारे शरीर को बड़ी मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है उसको हम बृहत मात्रिक कहते हैं, और जिनको कम मात्रा में हमारे शरीर की आवश्यकता होती है उनको हम सूक्ष्म मात्रिक कहते हैं। तो सूक्ष्म मात्रिक में हमारा विटामिन आता है, और दूसरा आता है हमारा खनिज लवण, खनिज लवण। इन दोनों को हमने, क्योंकि इनकी 4-6% मात्रा ही क्या है, हमारे भोजन में आवश्यक होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट की है वो 60% होती है, प्रोटीन की होती है वो करीब 20% होती है, और वसा है वो भी क्या है, हमारा 20% के करीब वसा की आवश्यकता होती है।
और जल है वो 60 से 70% भाग है इसकी। जल की आवश्यकता हमारे शरीर को देखी जाती है। तो ये सारे जो पोषक तत्व है, इन पोषक युक्त भोजन को ग्रहण करने से व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति का आहार है वो संतुलित होगा। अगर इसमें हम ये देखें कि खाली कार्बोहाइड्रेट का ही हम अपने भोजन में प्रयोग करेंगे तो वो हमारे शरीर में क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाएगी और उसको हम किस श्रेणी में लेंगे, असंतुलित भोजन की श्रेणी में लेंगे, जो कि एक कुपोषण का कारण बनती है। तो इस तरीके से अब सारा डिटेल मैं दूसरी वीडियो के अंदर करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरा बार बार में डिलीट हो रहा है, तो देखती हूँ कि एक बार अर्थ इतना है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि पोषण क्या है और इन दोनों का जो संबंध है स्वास्थ्य से, वो स्वास्थ्य से क्या है। तो ओके, मैं इस वीडियो के अंदर एक बार इतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ और दोबारा चेक कर रही हूँ कि वीडियो हमारा प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अगर पसंद आए आपको तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।